आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं विद द फुल एक्सप्लेनेशन। हम उसका एकदम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे कि उससे अदर क्वेश्चंस और किस टाइप से बन सकते हैं, साथ ही साथ उसका डिस्कशन भी हम आपको देंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, जो आपकी गुड, तो आपका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन होता है वो कितना होता है, 100 मेगा पास्कल। ठीक है, 100 मेगा पास्कल इज द राइट आंसर। ठीक है, उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट है, वो कितना होना चाहिए आपका, लेस देन और इक्वल टू 3% बाय वेट। ठीक है, मतलब जो गुड बिल्डिंग स्टोन है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट है वो 3% बाय वेट से कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब गुड बिल्डिंग स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी, कितना होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू 2.7। और आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो ये था गुड बिल्डिंग स्टोन के बारे में कुछ अलग से एक्सप्लेनेशन जो कि आपको याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, जो आपका किंग क्लोजर होता है वो किस से रिलेटेड होता है। तो ये एक ब्रिक मेसनरी का टाइप है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रिक मेसनरी। ठीक, ये ब्रिक मेसनरी का एक टाइप होता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन, जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन रेट है गुड ब्रिक्स का वो आपको हमने कितना बताया, लेस देन 3% बाय वेट। बट द जो आपको ऑप्शंस में दिए हैं उसमें जो आपका आंसर आएगा वो आंसर है आपका 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ठीक है, 15% ऑफ ड्राई वेट। अब आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो क्लोज है वो है आपका 7.2 और जो कोड है वो होगा आपका IS 1077-1992। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसके लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट है, क्लोज कौन सा, 7.2 IS 1077-1992 में ये आपको दिया हुआ है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग 10-20%। इट मीन्स आपका जो क्ले ब्रिक्स है उसमें जो अर्थ हैविंग है, मतलब जो उसकी कंपाउंड है वो कितना होना चाहिए। तो आंसर है आपका कि 10-20% आपका सिलिका होना चाहिए। ठीक है, एंड 35-70% आपका क्या होना चाहिए, एल्यूमिना होना चाहिए। ठीक है, अब यदि आपकी जो ब्रिक है, गुड ब्रिक्स के लिए यदि मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ यहाँ पर गुड ब्रिक्स के लिए, तो उसमें जो कॉम्पोजिशन है ब्रिक्स का, गुड ब्रिक्स का, उसमें आपका सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिना जिसको हम बोलते हैं, एल्यूमिना वो होना चाहिए 20% से 30%। इसका क्या होना चाहिए, एल्यूमिना कितना होना चाहिए, 20-30%। नेक्स्ट आता है आपका सिलिका, सिलिका आपका होना चाहिए 50% से 60%। नेक्स्ट आता है आपका लाइम, लाइम होना चाहिए आपका लेस देन 5%।
ये कुछ अलग से कॉम्पोजिशन है गुड ब्रिक्स के लिए, जिसका हमने आपको यहाँ पर क्या बताया, एक क्राइटेरिया बताया कि कितना होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लास्टिसिटी ऑफ मोल्ड ब्रिक्स इन सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय, जो आपकी प्लास्टिसिटी है वो किसकी वजह से, जो शेप होता है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है आपका एल्यूमिना की वजह से। किसकी वजह से आता है आपका, एल्यूमिना की वजह से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, क्रशिंग स्ट्रेंथ आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपकी 10.5 न्यूटन पर mm² ठीक है, ये आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में आप एक चीज़ और देख लीजिए, मतलब जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है आपकी, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए आपने क्रशिंग स्ट्रेंथ तो देख ली यहाँ पर कि कितनी होनी चाहिए, 10.5 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा या इक्वल टू होना चाहिए। साथ ही साथ इसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेट भी देख लीजिए, वाटर एब्जॉर्प्शन रेट, वाटर एब्जॉर्प्शन रेट कितना होना चाहिए इसका, less than 20%, कितना होना चाहिए, less than 20% होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन रेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर पॉलिशिंग मोसिक फ्लोर वी यूज, मोसिक फ्लोर के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो आंसर इज द ऑक्जिलिक एसिड, आंसर क्या आएगा आपका, ऑक्जिलिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑफ द बेसिस ऑफ, आपको यहाँ पर कुछ कोड दिए हुए हैं, उस कोड में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए जो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स है वो कौन सा कोड यूज करता है। तो देखिए आपको सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पर, तो आंसर आपका क्या आएगा, देखिए आंसर है आपका IS 3102, ठीक है। अब साथ ही साथ आपको जो यहाँ पर अलग से कोड दिए हुए हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। देखिए IS 3101 किसके लिए वर्क करता है, तो वो करता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कोलेप्सिबल, कोलेप्सिबल ट्यूब, ठीक, आपको ये याद रखना है कोलेप्सिबल ट्यूब्स के लिए। 3102 का हमने बता दिया, तो थ्री नेक्स्ट है 3495 और नेक्स्ट है आपका 3496, तो 3496 किसके लिए वर्क करता है ये भी हम देख लेते हैं। मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ, ये करता है वर्क मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ ब्रंट क्ले ब्रिक, ब्लंट क्ले ब्रिक्स के लिए ये वर्क करता है। नाउ द लास्ट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर, ये स्पेसिफिकेशंस बताता है किसके लिए, आपका बॉबली लैक्स एंड पैक्स के लिए, ठीक। तो ये कुछ चार कोर्स थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आपको सभी चीज़ें पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको वन बाय वन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, जो आपका ग्रेनाइट होता है वो हीट और प्रेशर के थ्रू किस में कन्वर्ट हो सकता है, जेनेसिस, जेनेसिस एक प्रोसेस होती, सॉरी हाँ जेनेसिस, जेनेसिस में जेनेसिस क्या होता है, जेनेसिस एक मेटामॉर्फिस ग्रेनाइट है, क्या है, एक मेटामॉर्फिस में ग्रेनाइट है आपका, जो जेनेसिस है वो एक मेटा मॉर्फिसिस ग्रेनाइट है जिसका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या होता है, हाई होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जेनेसिस होता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, हाई होता है या लो होता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेनाइट इज अ रॉक डेट इज बाय नेचर, ग्रेनाइट रॉक ही
वो नेचर मतलब किसकी वजह से, नेचर की वजह से मिलती है हमें, वो है प्लूटोनिक। आंसर इज द प्लूटोनिक, प्लूटोनिक इज द करेक्ट आंसर, प्लूटोनिक इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का हमारा कन्वर्सेशन, जिसमें हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस थे, मेनली हमने इसको ब्रिक्स के इसमें डिफाइन किया है, ब्रिक्स और स्टोन के लिए। तो ये जो क्वेश्चन थे आपको सभी SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया है। अगेन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप सभी को टाइम पर मिलती रहे। और यही वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपका जो स्टूडेंट है या आपका जो फ्रेंड है उसको भी प्रिपरेशन करने में आसानी रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।